पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी रविवार को कैथल में थी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के पक्ष में आयोजित ब्रह्म शक्ति सम्मेलन में हिस्सा लिया। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि सुरजेवाला में एक ब्राह्मण के सभी गुण मौजूद हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के विकास के लिए बड़ा काम किया है। बंगाली ब्राह्मण शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कैथल के ब्राह्मण समाज से रणदीप सुरजेवाला को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आइए जरा कैथल के ब्रह्म शक्ति सम्मेलन में शर्मिष्ठा मुखर्जी का भाषण सुनते हैं। देश में बेरोजगारी की संख्या 45 सालों में से सबसे ज्यादा है। देश की जीडीपी सिर्फ 5% में गिर गया है, 5%। लेकिन आज के जो राजा है, आज के जो शासक है, जो देश की विद्वान है, उनसे सलाह नहीं कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है। देवी सरस्वती या विद्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मोनोपोली नहीं है। अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूरा विश्व में माने जा रहे एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थनीतिविद हैं, उनसे आके प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं सलाह ले रहे हैं कि आज देश की आर्थिक स्थिति है, इसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं। प्रधानमंत्री जी विद्या के सम्मान नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं करेंगे तो देश की स्थिति और भी खराब होगी। आज देवी पक्ष की शुरुआत है। बंगाल में आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा बहुत ही जोर शोर से धूमधाम से मचाया जाता है। मैं भी दो श्लोक बोलना चाहूंगी देवी जी की आराधना करते हुए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। देवी मां की शक्ति हर नारी में है, हर महिला में है। हमारे देश में हम नारी शक्ति की पूजा करते हैं। उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि नारी में जो शक्ति है उसको विद्या देकर, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ 5 पैसा हर बेटी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प में से सिर्फ 5 पैसा एलोकेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ जितने भी पिताएं बैठे हुए हैं, जितने भी भाइयों बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप भाजपा सरकार से पूछें कि देश की बेटियों का साथ इतना घटिया मजाक वो लोग क्यों कर रहे हैं, अपने बहन का साथ अपने बेटियों का साथ इतना घटिया मजाक क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ 5 पैसा सरकार की तरफ से आ रहे हैं। जनता का साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और एक बात
स्पष्ट करना चाहूंगी मैं आपको, ये मैंने खुद देखा। रणदीप जी को देखिए, पार्टी की तरफ से बहुत ही भारी एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, कम्युनिकेशन की हेड है, 24 घंटे की काम है, लेकिन पिछले 6-5 साल से मैं इनके अंडर काम कर रही हूं, हमेशा देखा कि हर शनि रविवार डेफिनेटली कोई भी काम हो, दिल्ली में कुछ भी हो, उनको आप रोक नहीं सकते, वो जरूर कहकर आएंगे। और खाली शनि रविवार ही नहीं, वीक के बीच में जब भी उनको मौका मिलता है वो हमेशा कॉर्पोरेट कैथल में आते हैं। तो एक जन प्रतिनिधि अपना जनता का साथ, उनका सहयोग बना के रखना, उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना, उनका साथ हमेशा मिलता रहना, ये सारे गुण रणदीप जी में है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपके भाई हैं, आपका बेटे हैं, आशीर्वाद का हाथ आपका, आशीर्वाद का हाथ इनके ऊपर रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल की राजनीतिक संभावनाओं के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।